अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो राजस्थान का है और जो दोनों शख्स पुलिस की गिरफ्त में गंजे सड़क पर नंगे पांव फटे पुराने कपड़े पहनकर चल रहे हैं, इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर एक रेप पीड़िता के ऊपर गंडासे से हमला किया, उसको जान से मारने की कोशिश करी। पुलिस इन बदमाशों को सड़क पर लेकर इस तरीके से उनका जुलूस निकाला ताकि लोगों को पता चल सके कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 25 साल के रेप पीड़िता पर हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनमें से 2 आरोपियों को गंजा करके सड़क पर घुमाया गया। पुलिस ने आरोपी महेश उर्फ महिपाल, जिसकी उम्र 22 साल है, और दूसरा राहुल गुज्जर, जिसकी उम्र 19 साल है, उनको फटे पुराने कपड़े पहनाकर कोटपुतली के घंटाघर चौक मार्केट में करीब 1 किलोमीटर तक घुमाया गया। इस दौरान कोटपुतली डीएसपी रोहित संखला और थानाधिकारी राजेश मीणा अपनी टीम के साथ डटे रहे। दरअसल रेप का जो मुख्य आरोपी था, इस पूरे मामले में 3 आरोपी थे, 1 महिपाल, दूसरा राहुल गुज्जर और तीसरा आरोपी राजेंद्र यादव। हालांकि राजेंद्र यादव अस्पताल में भर्ती है, वो ट्रेन की चपेट में आया और उसकी जो टांग है वो उस हादसे में कट गई। मगर राजेंद्र यादव, राहुल गुज्जर और महिपाल, इन तीनों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 25 साल की रेप पीड़िता के ऊपर गंडासे, बंदूक, डंडे, इन सब चीज़ों से हमला किया। और ये जब वारदात जहाँ हुई, आपको जानकर हैरानी होगी, वो वारदात पीड़िता के भाई के मुताबिक जो पुलिस स्टेशन था उससे तकरीबन 20 से 25 मीटर की दूरी पर हुई। इस पूरे मामले पर पीड़िता के भाई ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। हमने पहले इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रखी थी, रेप का, आरोपी के खिलाफ। वो केस चल रहा था, उसमें इसने ब्लैकमेल करके इसके साथ गंदा काम करा, तो हमने FIR दर्ज करवा दी थी। ये कब की बात? ये हो गए 6-7 महीने की पहले की बात है। अब उसके FIR दर्ज करने के बाद में ये जेल में चल गया 2 महीने, और जेल से बाहर जैसे बाहर निकला फिर हमारे सिस्टर के पीछे करने लग गया था। हमने वापस थाने में FIR दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस सानू तो मिला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा नहीं करेगा पीछा। अब उसके बाद में ड्यूटी से जैसे पावटा आ रही थी शनिवार के दिन, तो भाई गांव आने के लिए, तो इसने क्या काम करा, पावटा ही प्रापरा थाने के से 20 मीटर की दूरी पर ही उन्होंने क्या काम करा, 3-4 बंदे थे ये लड़के, उनके साथ आपके लड़की के साथ आपके दूसरे भाई भी थे, छोटे भाई थे, उसके भी लगी। वो जैसे बीच बचाव कराना, वो स्कूटी लेके आ रहे थे। हुआ क्या ये बताएं? जैसे पावटा से बैठ के स्टैंड से आ गई और प्रागपुरा के लिए रवाना हुए ना, तो प्रागपुरा थाने के पास 20 मीटर की दूरी पर है ना, अंधेरे में मेन रोड पर, हाईवे पर, अज्ञात जो राजेंद्र यादव हैं आरोपी और 3-4 आदमी और हैं, 4-5 आदमी हैं, ये सारे मिल गए। पहले तो गोली निकालते ही है ना, वो जैसे सिस्टर नीचे गिरी तो भैया भी छोटा वाला नीचे गिर गया था। जैसे वो बीच बचाव करने के लिए गया तो बीच बचाव में उसके भी सरिया से है ना, उसकी मांस फट गए पैर का। तो उसके बाद में उसको जब तक मारता गया सिस्टर को गंडासे से तो क्या था, हथियार था नॉम और बंदूक थी, और जब तक मारता गया जब तक वो रोड पर नहीं मर गई थी, जैसे मरी की हालत में छोड़ के। मरने के बाद में बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आया, यानी वहाँ लोग देख रहे थे लेकिन कोई वो नहीं आया वहाँ पर। पूरा वाकया किस समय का था, शनिवार? ये शाम 7 बजे के आसपास था। ये बताएं कि जो आप कह रहे थे कि रेप का मामला या दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, उसमें कुल कितने आरोपी थे, क्या उसमें मुख्य आरोपी ये खुद यही था, राजेंद्र यादव? राजेंद्र इसका सपोर्ट था, इनका गुंडा पूरी गैंग है इनकी। मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ, इनका जो ग्रुप बना हुआ है ना, इनका एक तरह से आतंक बना रखा है। बंदूक तो आम बात होगी इनके पास, वो बंदूक लेकर घूमता रहता। पहले भी मैंने थाने में भी बोला था, मतलब वो बंदूक लेते हुए घूमता रहता। वो क्या एक महेश नाम का, महेश चोरिया क्या नाम है, ऐसे नाम का व्यक्ति है, उसकी बंदूक वो नेतागिरी भी करता पता है। ये पूरी उसकी गैंग है सारी। राजेंद्र यादव जो है आरोपी मुख्य, आपके हिसाब से इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? हाँ, लग रहा है ना अभी ये क्या नाम, महेश चोरिया ही नेता, ये नेता बन रहे हैं, इनका सपोर्ट ही था। बंदूक उसके पास कैसे आ सकती है, बिना लाइसेंस वाली बंदूक लेके घूमता रहता है वो, छोटी वाली बंदूक हर आदमी के साथ में, ये जिसके पास लाइसेंस रहेगी वही लेके घूम सकते हैं। ये जो आप कह रहे थे कि पहले रेप का मामला दर्ज करवाया था, उसके बाद पुलिस के पास फिर से परिवार के लोग गए थे, वो सुरक्षा मांगने के लिए गए थे? हाँ, वो धमकी दे रहा था केस वापस लो।
तब पुलिस का रिस्पांस कैसा था, क्या पुलिस ने किया? कुछ नहीं, जैसे एफआईआर दर्ज होती है बस, उसका अलावा कुछ नहीं। पुलिस का एक बयान सामने आया है, खुद जयपुर रेंज के आईजी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलीप को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या आपको लगता है ये काफ़ी है? मैं तो चाहता हूँ जो पुराना इंचार्ज था सवाई सिंह, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर क्यों कार्रवाई की? उस टाइम की घटना हुई थी ना, उस टाइम क्या नाम है, उनके पास ही करवाई थी, वो एक्शन से लिए नहीं है इसको मैटर को। ये मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं, जयपुर के स्वाई मानसिंह अस्पताल का पॉलीट्रॉमा आईसीयू है, इसके अंदर जो है लड़की का इलाज चल रहा है और बाहर आप देख सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से है। और कहा यह जा रहा था कि अब से कुछ समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहां पर आएंगे, पर जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है और जिस तरह से परिवार ने धमकी भी दिया था, घर पर जाके धमकी भी दे के आया था बंदूक से राजेंद्र, हाँ, हमने फिर भी है ना प्रशासन की वो मांगी, केवल 2-3 दिन के लिए प्रशासन लगा के और फिर छोड़ दिए थे, और उसको गिरफ्तार भी करे थे ना, तो कोई ना रिमांड ना कुछ, ऐसे के ऐसे कोर्ट में पेश कर दिया जैसे उसको कोई वीआईपी सुरक्षा मिली हो। तो ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप हैं जो परिवार लगा रहा है, जिस तरह से ये खुद लड़की के भाई कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, ना केवल राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था पर इतना शायद बेखौफ हो चुका था ये आरोपी के, इनका जैसा कहना है कि बंदूक लेकर पहुंच गया था। और जो लड़की की तस्वीरें सामने आई हैं, जो घाव सामने आए हैं, वो एक तरह से दिल को दहला देने वाले हैं और वो दिखाता है कि किस तरह से सरेआम एक लड़की जो कि दुष्कर्म के मामले में शिकायत करता थी, उसके पूरे शरीर पर इतनी जगह पर जख्म दे दिए गए हैं, बंदूक से गोली चलाई गई। और अभी तक जो है पूरे मामले में ये भी परिवार का आरोप है कि ये जो अभी भी आरोपी पकड़े गए हैं ना, ये तो है नहीं है, लेकिन अभी तो मेन मुखिया अभी है, पूरा गैंग है इनकी, अभी तो ये तो मुखिया तो ये पकड़ा गया, लेकिन इनके साथ और भी लोग हैं। अभी ये जो लड़के पकड़े गए ना, मेरे को लग रहा नहीं ये लड़के हैं, लेकिन और भी होना चाहिए मेरे से। ये राजेंद्र यादव कहा जा रहा था कि ट्रेन के सामने कूद गया है, इसके पैर, ये तो बीच बचाओ, ये तो दाढ़ी बढ़ा रहा था, ये तो दाढ़ी कटवा के बिल्कुल बिल्कुल यानी भगने की कोशिश कर रहा था, तो प्रशासन पीछे लगा हुआ था ना, अभी ये एक्टिव होने के बाद में तभी ये रोड को, ये ट्रेन को। तो सुना आपने भाई ने क्या कहा, आपको बता दूं अब मैं कि जो रेप का मुख्य आरोपी है राजेंद्र यादव, वो अस्पताल में भर्ती है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे आरोपी राजेंद्र यादव को ये भनक लग गई थी कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए और पुलिस को चकमा देने के लिए वो अपने घर से फरार हो जाता है। राजेंद्र यादव भाग तो निकला था, लेकिन जब आरोपी राजेंद्र यादव को लगा कि वो अब नहीं बचेगा, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी जान देने की कोशिश करी। वो रेलवे ट्रैक पर चला गया अपनी जान देने के लिए, जैसे ही ट्रेन आई तो वो पटरियों के बीच में फंस गया, जिसके चलते उसका एक पैर कट गया था। आरोपी राजेंद्र यादव के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं दूसरे पैर पर भी चोट लगी जिसे ऑपरेशन से पुलिस को काटना पड़ा। तो जिस आरोपी, जो इस पूरे वारदात का मुख्य आरोपी था यादव, राजेंद्र यादव, उसे पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, हालांकि वो अभी पुलिस की गिरफ्त में ही है, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती है और हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। वहीं पीड़िता की जो रिपोर्ट है वो मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। दरअसल इससे पहले कि सवाई मानसिंह अस्पताल में रात तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच पीड़िता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिवार ने इसकी जानकारी डॉक्टरों को दी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज किया तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि पुलिस जो डॉक्टर है वो अभी भी पीड़िता का इलाज कर रही हैं। वैसे आपको बता दूं कि कोटपुतली बहरोड़ के प्रागापुरा में 24 फरवरी की शाम तकरीबन 7:30 बजे दो बदमाशों ने एक रेप पीड़ित युवती और उसके भाई पर गंडासे से हमला कर दिया था। युवती पर एक के बाद कई वार किए गए थे। इसके बाद पीड़िता का भाई उसे जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचा था। इसके बाद मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव वहां से भाग निकला था, मगर सोमवार सुबह ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कटा, दूसरा पैर घायल हो, गंभीर रूप से घायल था, लेकिन अस्पताल में उसके दूसरे पैर को भी डॉक्टरों को काटना पड़ा। इस पूरी स्टोरी के बारे में आपने पीड़िता के भाई से सुना, पीड़िता के भाई ने सारी चीज़ें बताई, सारी खबर दी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट, मीडिया में खबर आने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री जो महिला, जो पीड़िता है, उससे मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे। अब उसकी बहन ने
पुलिस से, जो पीड़िता है उसने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस से मांग भी करी है। इस पूरे मामले पर भाई का ये भी कहना है कि जब उसकी बहन ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर लगाए तब किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस दौरान थाने में बैठे पुलिस से लेकर कांस्टेबल तक, जो बड़े सीनियर ऑफिसर थे, SHO या कोई भी जो सीनियर पोस्ट के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उनसे लेके एक नॉर्मल कांस्टेबल तक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, भेदभाव वाला व्यवहार किया। राजेंद्र यादव अकेले अपराधी नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी गैंग थी। हालांकि जो अभी तक खबर सामने आई है वो यही है कि 3 लोग थे, लेकिन जो पीड़िता का भाई है उसका यही कहना है कि इस पूरी वारदात में 3 लोग नहीं थे, बाकी कई और लोग शामिल थे और पुलिस अब उनकी तफ्तीश कर रही है, उनकी तलाश कर रही है, उनको तलाश करने में पुलिस लगी हुई है। युवती के भाई ने कहा है कि थाने के ASI को सस्पेंड करके पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। घटने के बाद पुलिस मेरे और मेरी बहन के साथ जयपुर तक नहीं आई। थाना पुलिस पर भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उस CI पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सब कुछ जानने के बाद भी मेरी बहन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को हटाया था। ये सारे आरोप जो हैं वो पीड़िता का भाई जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। एक 22 साल का आरोपी है और एक 19 साल का आरोपी। 22 साल के आरोपी का नाम है महेश उर्फ महिपाल और 19 साल के आरोपी का नाम है राहुल गुज्जर। जो तीसरा आरोपी था राजेंद्र यादव वो अस्पताल में भर्ती है और पुलिस हिरासत में ही है वो भी, हालांकि उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी ये पूरा मामला अब धीरे धीरे राजस्थान में तूल पकड़ रहा है। इस पूरे स्टोरी के ऊपर और जो आपने भाई की बाइट सुनी उसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कि जिस तरीके से पुलिस ने उन दोनों अपराधियों का सड़क पर जुलूस निकाला उसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।